मंगलवार को वाराणसी के कैंट स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पिलर गिरने की घटना में घायल व मृतकों के परिजनों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर आज वाराणसी पहुंचे और उन्होंने वाराणसी पहुंचकर यह कहा कि मुख्यमंत्री सहित लोक निर्माण के विभाग के मंत्री इस कार्य के लिए इस्तीफा दें। और सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये बताया कि मंदिरों को तोड़ने का अभिशाप ही है पुल के गिरने का हादसा। इसका जिम्मेदार वो लोग हैं, यात्री अधिकारी जो है सस्पेंड करके ये साबित करना चाहते हैं कि अधिकारी सबसे पहले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और दूसरा प्रधानमंत्री है। मोबाइल मोबाइल सांसद इसको फेंक दूंगे तो उनकी जिम्मेदारी जानकारी ना। और अगर शायद यहाँ पर अगर और शायद हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि चुनाव से पहले पहले ये खत्म हो जाए और हम इस बात की मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जहाँ भी इस तरह की सीट का निर्माण हो रहा है, जहाँ भी इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े बड़े जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे पहले सुरक्षा के इंतजाम होंगे या नहीं, अगर नहीं है तो काम रोक दिया जाए और जब तक वो वहाँ पर सुरक्षा के पूरे है प्रावधान नहीं हो जाते, पूरे इंतजाम नहीं हो जाते, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं किया जाएगा तो हम कामों को